निगम खुद क्या कर रहा है, निगम के जो लोग हैं, जो उनके सफाई कर्मचारी जो उन लोग लगाते हैं, उनके जिनके अंडर ये काम आता है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या दिवाली की सिर्फ त्योहार मनाने में खुद के? इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। साहब दिवाली पे तो लोग अपने घरों पे सफाइयां करके साफ करते हैं, ये तो शहर हमारा शहर है। निगम को अपने शहर की नहीं पड़ी है, इस कदर की गंदगी हो रखी है कि वो अपने शहर को साफ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे खास बात ये कि यहाँ के पार्षद जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ की जो MLA मैडम है क्या वो तभी जब वो उनका इलेक्शन का समय होता है क्या वो तभी बाहर आके देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी 5 साल वो क्या करते हैं? क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो रोज आके इंस्पेक्शन करे कम से कम कि क्या उनके एरिया में सफाई हो रही है? अगर वो खुद एक्टिव रहेंगे तो ही तो वो निगम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के काम कर पाएंगे। निगम खुद क्या कर रहा है? निगम के जो लोग हैं, जो उनके सफाई कर्मचारी जो उन लोग लगाते हैं, उनके जिनके अंडर ये काम आता है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या दिवाली की सिर्फ त्यौहार मनाने में खुद के कामों में ही लगे हुए हैं? क्या उनकी कोई ड्यूटी नहीं है एक शहर के प्रति? स्मार्ट सिटी का आप नाम लेते हो, स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पे फंड आता है, वो फंड का क्या हो रहा है? अगर आप उससे सफाई नहीं कर पा रहे तो डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या करेगी ये सरकार? डेवलपमेंट की सरकार बोली जाती है देश, यहाँ पे लोकल नेता MLA BJP के, MP BJP के, स्टेट में सरकार BJP की, सेंटर में सरकार BJP की, और एक सफाई रोड की सफाई नहीं हो पा रही है। ये कौन सा देश है जो आगे बढ़ रहा है और कौन से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हम रह रहे हैं? ये तो कलेक्टर को देखना चाहिए, यहाँ के जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनकी ड्यूटी बननी चाहिए कि हम कुछ सफाई करा लें। अगर नहीं करा सकते तो साहब हमारे लोगों को उनके खिलाफ खड़े होकर बोलना चाहिए कि साहब आपके बस का नहीं है तो रहने दो, हमको खुद को लग के रोडें साफ करनी पड़ेगी अब, या तो ये दिन आ गए। इससे ज़्यादा तो इसकी क्या गति हो सकती है कि दिवाली, 2 दिन में दिवालिया, धनतेरस का त्यौहार है और पीछे इस कदर गंदगी पड़ी है। और ये सिर्फ हमारे इधर पर्टिकुलर इस रोड की नहीं, पूरे अजमेर शहर की ये व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पे प्रशासन को सख्त रूप से, कलेक्टर को, पार्षद को, MLA को, MP को, सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से बीमारियां फैलती है। डेंगू के सीज़न में हम डेंगू के जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, हमको खुद को देखना चाहिए कि बीमारियां किस तरह से फैली हुई और अस्पताल भरे पड़े। ये श्रीनगर रोड है, राजा साइकिल चौराहे के पास का एरिया है। यहाँ का पार्षद मुझे नहीं पता, MLA यहाँ से अनीता बदेल मैडम। दिवाली पे जो गंदगी देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की गंदगी आप देख लीजिए किस कदर हो रखी है। कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी है। निगम के ट्रॉले आते हैं वो भी खुले हुए जाते हैं, और ये इस क्षेत्र की बात नहीं है, सारे क्षेत्रों में ही यही हाल चल रहा है। निगम ने सफाई की कोई ऐसी कोई व्यवस्था इस वक्त नहीं कर रखी है। ये पार्षद को बोलो तो पार्षद भी देखने वाला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। निगम की अपनी व्यवस्थाएं बहुत चरमा चुकी है, निगम की प्रशासन, निगम का जो प्रशासन है वो बहुत नकारा हो चुका है। निगम के प्रशासन के लिए कोई ना कोई इसके लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। इसके लिए तो जहाँ तक संभव वो कलेक्टर को खुद को ध्यान देना चाहिए। सर दिवाली पर आप एक चीज़ ये तो नोट कर लें, अगर दिवाली पर सफाई नहीं है तो आप सोचो आम दिनों में क्या हालत होती होगी। इससे अंदाज़ा लग सकता है। फिर हम कहते हैं ये स्मार्ट सिटी है, अब स्मार्ट सिटी की हालत आप देख लो क्या है। इसको स्मार्ट सिटी हम कह रहे हैं, जगह जगह गंदगियों के ढेर पड़े हैं और हमारा स्मार्ट सिटी है।